लगभग 10% बच्चों में जन्म के बाद मानसिक विकास जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता है। WHO के अनुसार हर 160 में से एक बच्चा ASD से पीड़ित पाया जाता है। ऑटिज्म से पीड़ित लगभग 70% बच्चों में नॉन वर्बल IQ 70 से कम होता है। पीड़ित बच्चे वोकल साउंड का उपयोग नहीं या बहुत कम करते हैं। यदि डॉक्टरी सहायता न ली जाए तो ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के विकास पर असर हो सकता है। I have twin kids. They are both diagnosed with autism spectrum disorder. They faced many challenges like eye contact, not having sitting tolerance, and they are very also hyperactive. After we came to this institution, we can see many changes in them. And also I joined school special education here, and now they are performing well. Actually, I really very thank for the central government of India to make these arrangements and this institution. प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व में भारत सरकार के क्रॉस डिसेबिलिटी अर्ली इंटरवेंशन सेंटर्स यानी CDEICs में ये सुनिश्चित किया जाता है कि ऐसी बौद्धिक दिव्यांगता वाले बच्चों का सर्वांगीण विकास और पुनर्वास हो। इन केंद्रों में इन बच्चों के ब्रेन और इमोशनल डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इन केंद्रों में बच्चों को अनुकूल माहौल दिया जाता है। धैर्य और निष्ठा के साथ बड़े रचनात्मक तरीके से बच्चों को सिखाया जाता है। प्रियांश इससे पहले जो था कुछ नहीं जानता था, मतलब उसके आसपास एनवायरनमेंट में क्या हो रहा उसे कुछ नहीं पता था, सिर्फ फैमिली के 3-4 लोगों को जानता था। और यहाँ पे आने के बाद रियांश में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। उसको अपने आसपास का एनवायरनमेंट पता चला कि मतलब हम कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं। माता पिता और बच्चों की बॉन्डिंग को मजबूत करने के लिए कई एक्टिविटीज कराई जाती हैं। ऑटिस्टिक बच्चों के डेवलपमेंट के लिए पेरेंटिंग का सही तरीका सिखाया जाता है। CDEIC में उचित मार्गदर्शन में ये बच्चे आगे चलकर आत्मनिर्भर बनते हैं। पहले कमांड फॉलो नहीं करता था और बातें नहीं समझता था, हाइपर एक्टिव ज्यादा था, बिल्कुल नहीं बैठता था, बस चलता भी नहीं था, भागता था। तो यहाँ आने के बाद थेरेपीज लेने के बाद इसमें ये थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है कि अब ये कमांड फॉलो करना स्टार्ट कर दिया है इसने। भारत सरकार के अथक प्रयासों से आज लाखों बच्चे और उनके अभिभावक लाभान्वित हुए हैं। इतनी सारी सुविधाएं एक जगह पर प्राप्त कराने के लिए मैं मोदी जी को दिल से धन्यवाद देती हूँ। इन बच्चों के सुनहरे भविष्य की दिशा आज इन केंद्रों में तय की जा रही है। सुरक्षित बचपन, सुनहरा भविष्य।